हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं गणेश चतुर्थी के लिए बिना किसी खर्चे के घर में बैठे आप कैसे 15 से 20 मिनट में एक सुंदर सा आस्थान डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ बेसिक से चीज़ों का यूज़ किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक कार्डबोर्ड है और उसके साथ मैंने एक स्केच पेन को एक धागे से बांधा है और मिड पॉइंट से उसको चारों ओर से मैं निशाना बना रही हूँ, ताकि मैं इसको एक हाफ सर्कल करके इसको कटिंग कर सकूँ। ठीक है, सो इसके लिए मैंने सिर्फ कुछ ही बेसिक से चीज़ों का यूज़ किया है। ये मैंने दूसरा उससे थोड़ा छोटा रख के दूसरा हाफ सर्कल भी मैंने कट कर लिया है। अभी मैंने थर्माकोल कटर के हेल्प के साथ अभी इसको मैं कट कर लूँगी। जितना बड़ा मुझे शेप चाहिए अपनी जो आइडल है, जो मूर्ति है, उसके हिसाब से मैं इसको कट करके प्रिपेयर कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसको बीच का हिस्सा निकाल दिया, मुझे सिर्फ ये बाहरी हिस्सा चाहिए। तो ये मैंने ये बाहर का हिस्सा भी निकाल दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये बाहर का हिस्सा निकलने के बाद मेरे बेटे के बर्थडे में ये जो बैकड्रॉप का रहता है, जो सीमेंट कलर का जो आप देख रहे हैं, वो बैकड्रॉप डिज़ाइन के लिए आया था। तो वो कुछ बचा हुआ था ऐसे ही, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। इसके लिए मैंने क्या किया है, चारों ओर से फेविकॉल लगाया है और एक पॉइंट से चारों ओर को ऐसे, आप जैसे देख सकते हैं, ऐसे फैला के इसको स्टिक कर दिया है। फिर उसके बाद उसको 5 मिनट मैंने छोड़ दिया है ताकि वो अच्छे से सूख जाए। अभी ये अच्छे से सूख चुका है और मैंने सीजर के सहायता से इसका जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको मैंने काट लिया है। ये देख सकते हैं, अभी चारों ओर से मैं सीजर से इसको ठीक से कटिंग कर ले रही हूँ ताकि कुछ बाहर ना रहे। अभी मैंने ये डब्बा पड़ा हुआ था घर पे, कुछ फ़ोन का या कुछ का है, तो मैं उसको चारों तरफ से सेलो टेप से उसको सील कर दे रही हूँ ताकि वो खुले नहीं। और ये डब्बा काफ़ी थोड़ा मजबूत था, हैवी सा था, तो मुझे लगा ये परफेक्ट रहेगा मेरे गणेश जी बैठने के लिए। तो मैंने इसको अभी चारों तरफ से सेलो टेप से मैंने इसको सील कर दिया है। ये डब्बा मेरा अभी सील हो चुका है। अभी जो मेरा वो बैकड्रॉप का जो मेरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसमें मैंने ये पिंक कलर का मेरे पास लेस पड़ा हुआ था तो उसको मैंने स्टिक कर दिया है नीचे की तरफ से। अभी मैं ये एक कलर पेपर यूज़ कर रही हूँ। कलर पेपर को यूज़ करके मैं कुछ फ्लावर्स के डिज़ाइन को कट करूँगी। आप अपने हिसाब से जैसे भी मन करे आप जो भी फ्लावर हो उसको कट कर सकते हैं, कट करके लगा सकते हैं। अभी मैं ये छोटे बड़े करके 3-4 साइज़ के फ्लावर्स को मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो फ्लावर का जो डिज़ाइन है आपको आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएगा, बहुत सारे डिज़ाइंस के फ्लावर मिलते हैं मुझे। मैंने कुछ बेसिक से फ्लावर किए हैं, तो ये देखिए एक के ऊपर एक रख के मैंने इसको फेविकॉल से इसको स्टिक कर दिया है। ऐसे करके 4-5 फ्लावर मैंने रेडी कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं मेरे फ्लावर्स रेडी हो चुके हैं, मैंने फेविकॉल से इसको चिपका दिया है और अभी इसको ठीक से मैं इसको चारों ओर लगा दूंगी। फ्लावर्स लगने के बाद मेरे पास कुछ मोती पड़े हुए थे, एक माला टूट गया था उसका जो मोती था वो मोती पड़े हुए थे, तो मैंने मोतियों को फ्लावर के बीच में वाइट कलर के मोती जो है उसके बीच में लगा दिया है और उस पैकेट को मैंने रेड कलर के पेपर से पूरा कवर कर लिया है। उसको सपोर्ट देने के लिए पीछे से मैंने ऐसे छोटे छोटे 4 मैंने फेविकॉल से चिपका दिया है कार्डबोर्ड के टुकड़ों को, और उसके साथ ऊपर की तरफ से मैंने सेलो टेप से उसको सिक्योर कर लिया है ताकि वो और निकल ना जाए। क्योंकि अगर छोड़ देते हम लोग मतलब 3-4 घंटा तो मैं भी स्ट्रांग होता, लेकिन मैं तुरंत कर रही हूँ इसलिए उसको तुरंत सेलो टेप से सिक्योर कर दे रही हूँ। अभी ये जो मेरा हाफ सर्कल है, जो स्ट्रक्चर है, उसको डब्बे के ऊपर मैं स्टिक कर दूँगी। ये मेरे पास वाइट कलर के रिबन था, तो रिबन को मैंने चारों तरफ से लगा दिया है और रिबन के ऊपर मैंने छोटे छोटे रेड कलर के मेरे पास कुछ स्टोन्स पड़े थे तो मैं ये स्टोन्स लगा दे रही हूँ। बीच में मैंने सोचा था कि ये मिरर का स्वस्तिक बनाऊंगी, लेकिन मुझे फिर बाद में लगा कि नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और करूँगी।
इसलिए मैंने वो प्लांट हटा दिया और मिरर को मैंने डिसाइड किया कि सामने की तरफ उसको लगाऊंगी। तो ये मिरर जो है मैं सामने की तरफ चिपका दे रही हूँ। और ये देखिए मेरे मिरर भी चिपक गए हैं फेविकॉल से, आराम से तुरंत ही चिपक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। और छोटे छोटे जो मोती हैं मैंने नीचे की तरफ लगा दिया था। अभी ये रेडी होने के बाद मैंने गेंदे का फूल लिया है और गुलाब का फूल लिया है और उसके पेटल्स को छोटे छोटे करके मैंने निकाल दिया है। और इस पेटल्स को मैंने बीच में रख के, क्योंकि गणेश जी बैठेंगे इसलिए मैंने वो मिरर को निकाल दिया है, क्योंकि हमें भी बैठने के समय हमें आराम की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा बीच में एक फ्लावर का स्वस्तिक बनाऊंगी, उसी में ही मेरे छोटू से गणेश भगवान को बिठाऊंगी। और ये अब देखिए हमारे छोटे से भगवान विराजमान हो चुके हैं और कितना सुंदर लग रहा है। वैसे तो भगवान जी कहीं भी विराजमान होते हैं वो जगह अपने आप ही बहुत खूबसूरत हो जाता है, लेकिन फिर भी देखिए घर में पड़े सामानों के साथ 15 से 20 मिनट में आप कितने अच्छे से अपने भगवान के लिए एक आस्थान डेकोरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली बार एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लविंग योर लाइफ।